परसों जो हमारे ऊपर शैलिंग की कि क्या हम दहशत गर्द हैं, क्या हम कोई कतार हैं, या कोई ये मुल्क हमारा नहीं, मैं कबैल से हूँ, हमारे कबैल ने आधा कश्मीर आज़ाद किया है, हमने जनाब खून के नजराने पेश करके इस मुल्क को हासिल किया है, इन मुल्क को बर्बाद कर दिया है, क्या हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है? यही फौज और ये एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नवाज शरीफ चोर है, अल्ताफ हुसैन दहशत गर्द है, आज अल्ताफ हुसैन भी पाक साहब हो गया क्या? या यही जनाब नवाज शरीफ जो भाजपा को क्या कहता था, फैज अहमद को क्या कहता था, फौज के खिलाफ क्या? अच्छा मेरी बात सुने, आप यहाँ पर कितने दिनों से? हम 10.5-11 माह हो गए अहमद बिन मरूफ के जलसे से लेकर आज तक ये मियांवाली वाला कैंप आज, आज और शेलिंग ये 2-3 दिन पहले हुई है, ऐसा ही है? मेरा सवाल पूरा होने तो फिर आप जवाब दे रहे हो, यानी कि 2 महीने से आप इधर हैं अंदाजन, ठीक है, लेकिन ये 7 दिन जो 144 लगी थी कि रैली और इस किस्म पर पाबंदी है, आप लोग निकल आए रैली पर, आपको पता है 144 क्या है? जी मैं पाकिस्तान के कानून 2 महीने, एक सेकंड, 2 महीने उन्होंने कुछ आपको कुछ नहीं कहा, बैठे रहे आप यहाँ पर? सर बताते हैं पाकिस्तान के आईन और कानून के दरमियान खान साहब ने कहा कि हमने जंग लड़नी है, 72 से 75 FIR इमरान खान साहब पर, शफाअत चौधरी को पकड़ा गया, आदम स्वाति 76 साल की उम्र में पकड़ा गया, प्रोफेसर शबाज गिल जो अमेरिका से डिग्री हासिल करके अमेरिका में प्रोफेसर था उसको नंगा किया गया, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, और जो हमारा जिले शाह को कल शहीद पर किया गया, तुम इंशाल्लाह अब तुम इस खून का हिसाब दोगे, अल्लाह से मेरी दुआ या अल्लाह जनाजा देखे और जनाजा ऐसे देखे, और मैं कहता हूँ अपने उस जनाजा देखे जो उसने मजूरिया मसूलात बनाए। अरे एक सवाल का और जवाब दे दें, आपने माशाल्लाह बड़ी बातें की है, हुक्मरानों के बेटे यहाँ नहीं है, घरों में है, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, बुरा ना मनाना, आप मेरे भाई हो, ठीक है, आप मेरे भाई हो, ठीक है ना, इमरान खान के बच्चे भी बाहर हैं, शाह महमूद के अपने घर हैं, फैसल साहब के अपने घर हैं, असद उमर के अपने घर हैं, यहाँ पे गरीब के हाथ में डंडा देख रहा हूँ, यहाँ पर जो मेहनत मजदूरी करने वाला है उसके हाथ में मैं डंडा देख रहा हूँ, खंजर देख रहा हूँ, ये जिस तरह के मामला देख रहा हूँ, एक से मेरा सवाल मुकम्मल होने दो, क्या कुर्बानी हमेशा हम लोग ही देते रहेंगे? मैं कादर खान सुलेमान खेल सीनियर नायब सदर पश्तून पीपल मूवमेंट पंजाब का सदर हूं और सबका टिकट होल्डर पीपी कतर पिंडी बटिया से तरीकुल बैग को छोड़कर आया हूं, मेरे पास डंडा इसलिए है, मैंने ये जुल्म देखा है, मेरे साथ हुआ है 25 को भी आज भी, हम क्या पाकिस्तानी नहीं है? ये मैं कहता हूं कि ये नवाज सवाल का जवाब देना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या हम लोग गरीब लोग मरेंगे? ना 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 सर 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 आज तक जनाब नवाज शरीफ को हमने 35 साल देखा, आमरियत को हमने 20-25 साल देखा, 30 साल, और हमने इन सब को जनाब देखा। वो भी पागल है जो नून लीग के जलसों में जाते हैं और भंगड़े डालते हैं और घर से मेहनत मजदूरी के लिए निकलते हैं, पेपर पार्टी पे भी जो नाचते हैं, मैं भी उनको बुरा समझता हूँ, मैं किसी जुमात की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब के बच्चे क्यों मरते हैं? इमरान खान ने हमारे गरीब की हक और सच की आवाज़ बुलंद की है, अब मैं सबसे पहले गरीब के लिए बताता हूँ, जी अल्लाह का शुक्र है बात सुनी ना, गरीब था तो तब भी आप जनाब मैं ये बता रहा हूँ ना कि अब पूरी नशरियात जारी हो गई है कि जिले शाह हमारा शहीद हुआ है, जो शहीद होता है वो अमर होता है, और जो जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, क्या हम जनाब अंधे हैं? हम जनाब माशाल्लाह बाल बचड़दार हैं, 2/2 को 5 बनाने वाले हैं, हम जनाब यहाँ इसीलिए ये डंडे लेकर दिन रात यहाँ खड़े हैं कि इमरान खान ईमानदार उम्मत मुस्लिमा का असीम लीडर है और उसने हमें जनाब बोलना सिखा दिया। आज से पहले जो MPA जाता था, कभी आपने देखा भाई जान, हम कहते थे जो है पैसे लेकर उधर चला गया, आप देखे जूते पड़े हैं और मैं गवर्नर को कहता हूँ साहब का, उसको जो जूते पड़े हैं ये नहीं आपको समझ आ रही? आपका गवर्नर था ना, छोड़ के चला गया, जो लोटा होगा उसका जूतों के साथ इस्तकबाल होगा, जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा, हमारे दिल के पैरे उसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। ये हालात है जी, 6-6 फुट के डंडे इन लोगों ने पकड़े हैं अपनी हिफाजत के लिए, अगर इनको कुछ कहेगा तो उनके सर में मारेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा, अपनी हिफाजत क्या करनी है? यहाँ पर गरीब का बच्चा मर रहा है, यहाँ पर चाहे जिले शाह है, ऐसे कई जिले शाह यहाँ घूम रहे हैं, बड़े हालात ख़राब है जी, जमान पार के बड़े हालात ख़राब हैं। मैं सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहा, कोई भी जुमात हो सियासी जुमात, वहाँ पर उनके जलसों में या ऐसे ही सियासी मामलात में गरीब के बच्चे क्यों मरते हैं? आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है मेरा आज का, यहाँ पर जमान पार्क में ढूंढने आया हूँ मैं, मजीद भी जो सियासी लोग हैं उनसे भी बात करूँगा कि गरीब के बच्चे ही क्यों मरते हैं, जैसे कि जिले शाह इस कौम से और इस मुल्क से चला गया आ गया।